G20 समिट में पुतिन के बाद जिनपिंग के भारत आने की संभावना कम। भारत के बाद चार और देशों ने किया चीन का विरोध। आत्मघाती हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 17 घायल। सिंगापुर राष्ट्रपति चुनाव में प्रबल दावेदार हैं भारतीय मूल के राजनेता। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे। इस बीच बताया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली नहीं आना चाहते हैं। वे अपनी जगह अपने देश के प्रधानमंत्री ली कियांग को भेज सकते हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने से मना कर दिया था। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम में बदलाव की औपचारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मीडिया सूत्रों के मुताबिक वो नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं। इससे पहले शी जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, तब वो केरल के मलप्पुरम गए थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था। चीन के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। भारत के बाद अब फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन के विवादित मैप का विरोध कर दिया है। उन्होंने साउथ चाइना सी में चीन के दावे को खारिज कर दिया है। फिलीपींस ने कहा, चीन को जिम्मेदारी से फैसला लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। वहीं मलेशिया ने नक्शे को लेकर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराई है। चीन के दबंग रवैये के खिलाफ वियतनाम भी खुलकर सामने आया है। वियतनाम सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन उनके समुद्री क्षेत्र को अपना बताने का प्रयास कर रहा है, ये उनकी संप्रभुता के खिलाफ है। फिलीपींस और मलेशिया ने भी चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। इससे पहले भारत ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध जताया था। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आत्मघाती हमले में 9 सैनिक मारे गए और अन्य लोग घायल हो गए। सेना ने इसकी जानकारी दी। सेना ने मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में बृहस्पतिवार को एक मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने काफिले को निशाना बनाया। बयान के अनुसार हमलावर ने काफिले में एक वाहन से अपनी मोटरसाइकिल टकरा दी, जिससे 9 सैनिक मारे गए और अन्य 17 लोग घायल हो गए। प्रतिबंधित टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान ने हाल ही में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन द्वारा संचालित आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई है। टीटीपी की स्थापना साल 2007 में कई आतंकवादी संगठनों के एक मुख्य समूह के रूप में की गई थी। सिंगापुर में देश के 9वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान हो रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में पूर्व मंत्री भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम भी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां 27 लाख से ज्यादा वोटर हैं। मतदान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चले। इसके बाद मतगणना आरंभ हो चुकी है और मध्य रात्रि तक नतीजे आ सकते हैं। देश के 9वें राष्ट्रपति के लिए हो रहे मुकाबले में थर्मन के अलावा 2 अन्य उम्मीदवार भी हैं। भारतीय मूल के 66 वर्षीय अर्थशास्त्री षणमुगारत्नम ने पिछले महीने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया था। वो सख्त मानदंडों के तहत चुने गए 3 उम्मीदवारों में से एक हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।